देखो वेव की इक्वेशन पे मेंस का आया हुआ ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, ये बड़ी सी वैल्यू है। अब जो लोग तैयारी करके जाएंगे वो कहेंगे यार हमें तो करवाई थी साइन और कॉस, ये कह रहे हैं वेव की इक्वेशन ऐसी है। भाई जो हमारे कोर्स में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है वो सिंपल हार्मोनिक वेव है, जो साइन पीरियोडिक वेव है, पीरियोडिक वेव तो साइन कॉस में बनेगी। ये कहते हैं मेरी वेव पीरियोडिक है ही नहीं, एक पल्स जनरेट किया मैंने और चला गया खत्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये पता है कि आपको बस ओमेगा टी माइनस के एक्स ढूंढना है और कुछ नहीं ढूंढना। तो आप ध्यान से अगर इन्हें देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी दिखेगा आपको। कैसे? देखो रूट ए का रूट ए टी रूट बी एक्स का माइनस का होल स्क्वायर, ओपन करके देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बस यही ट्रिक है इसमें। जैसे ये फंक्शन तैयार हो गया तो आपको ये पता है कि टी के कोफिशियंट वाली टर्म क्या बनेगी, ओमेगा टी, और ये क्या बनेगा के एक्स। तो यहां से कंपेयर करेंगे ओमेगा क्या आएगा रूट ए और के क्या आएगा रूट बी, तो वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा बाई के आंसर। हाँ रूट बी आएगा वहां पे आएगा, राइट सही कह रहे, टू ए बी मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी आएगा, सही कह रहे हैं, करेक्शन कर लेना। चलो आपको सही फॉर्मेट गिवन होगा, आपको ट्रिक समझ में आ गया, कुछ नहीं करना रीअरेंज करके ओमेगा टी माइनस के एक्स ढूंढ लेना है, बस हो गया आसान। अब देखो ये भी मुश्किल नहीं लग रहा, फिर अगले साल फिर क्वेश्चन आया नहीं हटे, फिर क्वेश्चन आ गया, ये रहा क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ये आसान है, स्मॉल टी भी है और एक्स भी है, अपने मन में सोचो ये वाली टर्म किससे कंपेयर होगी ओमेगा स्मॉल टी, और ये क्या होगा के एक्स। कंपेयर करो स्मॉल टी छोड़ो, ओमेगा क्या होगा वन बाय कैपिटल टी, कंपेयर करके के क्या होगा वन बाय लैम्डा, आंसर आ गया। वी क्या होगा ओमेगा बाय के, ओमेगा पता है के पता है, वेलोसिटी आ गई। अब आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा और टाइम पीरियड दोनों गिवन है, लैम्डा भी गिवन है और टाइम पीरियड भी गिवन है, यहां से वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब जैसे ये क्वेश्चन है ये आसान लग रहा है, अब साइन कॉस है तो हो ही जाएगा, इसके साथ कंपेयर करो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, कंपेयर करो ए क्या है फाइव, ओमेगा क्या है सिक्स, के क्या बनेगा टू, के नेगेटिव नहीं होगा और इनिशियल फेज क्या है पाई बाय टू, के अगर ओमेगा बाय वी है तो वी क्या बनेगा ओमेगा बाय के, आंसर।